नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग अभी भूकंपीय तरंगों के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने आंतरिक संरचना की क्लास में बात की थी कि आंतरिक संरचना पृथ्वी की एक जैसी नहीं है, और मैंने आप लोगों को दो तरह से यहाँ पर समझाया हुआ था। पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ रहे थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या स्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर कैसे की जा सकती है, इस पर टिप्पणी करें, टिप्पणी करें, या यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आलोचनात्मक व्याख्या करें। या चर्चा करें, या विश्लेषण करें। इस तरह से आप लोगों से मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, जो आप लोगों के प्रश्न बनेंगे यहां पर कई आधार पर इस तरह से प्रश्न आप लोगों के संभवतः पूछे जाएंगे कि चर्चा करें, आलोचनात्मक व्याख्या करें, क्रिटिकली एनालिसिस करें, ठीक, विश्लेषण करें, ठीक, चर्चा करें, डिस्कस करें, या टिप्पणी करें। इस तरह से आप लोगों से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप लोगों को ये लास्ट क्लास होगी इससे रिलेटेड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड। अब आप लोग इन क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास अलग अलग तरीके से कीजिएगा। मैं इनको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग लिखिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हम लोगों ने पढ़ाई की, समझा, तो इसमें मैंने दो साक्ष्य बताए थे, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष आधार। दो आधार बताए थे, प्रत्यक्ष आधार और अप्रत्यक्ष। इन दोनों आधारों को हम लोगों ने समझा। डायरेक्ट जो आप लोगों को दिखाई देता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, इनडायरेक्ट पेपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आधार के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो अप्रत्यक्ष आधार पर ही यदि हम लोग बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को व्यक्त करने के लिए जब हम बात करते हैं तो उसमें आधार लिया जाता है भूकंपीय तरंगों का। अब समझो कैसे, क्या आप लोग भूकंपीय तरंगों को देख पाते हैं? नहीं। ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भाग को आप लोग देख पाते हैं? नहीं। इनको महसूस किया जा सकता है। ठीक, आप लोग इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, उपकरण का उपयोग करते हैं, जिनके माध्यम से आप लोगों को ये सब दिखाई देती है, समझ में आता है कि यहां भूकंपीय स्थिति बनती है। उसी प्रकार से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूकंपीय तरंगों के आधार पर आज व्याख्या करने जा रहे हैं। इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा, कहीं पर भी कुछ स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों की समस्या। चलिए,
अब स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार से व्याख्या प्रदान करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को व्यक्त करती हैं इसको स्पष्ट करें या व्याख्या करें ठीक। अब इसी प्रश्न के आधार पर हम लोग चलते हैं। अब देखो, अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करें, यहां हमारी पृथ्वी तीन परतों से निर्मित है, ठीक। सभी को पता है ये हम अपनी क्या कहते हैं, इसे हम पृथ्वी कहते हैं। अब समझते हुए चलना है, ठीक। पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी परत, जिसको हम लोग कहते हैं भूपरपटी या क्रस्ट पटी। इसके आंतरिक भाग, इससे निचला भाग जो है वो है हमारा मेंटल का मेंटल, और इसके आंतरिक भाग जो है वो है हमारा कोर है, ठीक। अब यहां पर समझो कि जब हम कोर और भूपरपटी की बात करते हैं, दोनों कैसे हैं, भूपरपटी हमारी ठोस अवस्था में है और कोर हमारा कैसा है, ठोस अवस्था में है। आप लोग पूरा पूरा सेंटेंस लिखेगा, नहीं तो फिर भूलेंगे, आपकी समस्या। ठोस अवस्था में है, ठीक। अब देखो, मेंटल हमारा क्या है, तरल अवस्था में है। अगर हम अपने मेंटल की बात करें, क्योंकि मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि ठोस तरल और ठोस कैसे है, इन सब पे हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ, तो आप लोग पिछली क्लास में जा सकते हैं। अगर हम यहाँ के टेम्परेचर की बात करें, तो मेंटल का टेम्परेचर हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था लगभग 2900 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोर का टेम्परेचर लगभग 6000 से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हम लोगों ने बात की थी। अब देखो, ठीक, इतनी चीजें हम लोगों को पता है अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, किसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक। इसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होता है, इस संरचना के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, आंतरिक संरचना में इस कारण ही आंतरिक संरचना में भूकंप की उत्पत्ति होती है।
जो पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर है उसी के कारण क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा समझना है, कैसे कैसे यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। तो समझो कैसे, जैसे कि हम एक पॉइंट पे समझने का प्रयास करें यहां पर, कि यदि हमारे पृथ्वी पर आप लोगों ने तालाब देखा, ये क्या है अपने यहां का तालाब, और तालाब भी कैसा है, शांत जल है इसमें, मतलब ये शांत तालाब है। ठीक है, अब यदि इस तालाब में हम पत्थर मारते, क्या मार देते हैं, पत्थर, तो तालाब में क्या हो जाएगी, अगर हम तालाब की स्थिति को देखते हुए चलें तो तालाब में हलचल उत्पन्न होगी। इसे जैसे ही आप इसमें पत्थर मारेंगे तो इसमें हलचल उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, अर्थात हलचल का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग यहां पर बात समझे कि हलचल उत्पन्न हुई अर्थात इसमें तरंगे उत्पन्न होने लगेंगी, क्या उत्पन्न होंगी, इसी से तरंगे होंगी, अर्थात तरंगे उत्पन्न होने का मतलब क्या हो गया, जब इसमें हमने पत्थर मारा हलचल हुई तरंगे उत्पन्न हुई, मतलब लहरें, लहरें उत्पन्न हो रही। ठीक, अब यहां पर आपकी तरंगे अर्थात लहरों की उत्पत्ति हो गई। अब यहां पर बात आएगी कि लहरों की उत्पत्ति किस दिशा में होगी और कैसे इनकी लहरों की उत्पत्ति होती है। तो यदि हम लोग देखें कि तालाब में कहीं पर भी आप पत्थर मारते हैं तो उसको हम मान लें कि वो क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है, किसका केंद्र है, तालाब का। ठीक, तालाब का क्या है, केंद्र है, और यहां पर जब पत्थर मारेंगे तो लहरें कैसे निकलती हैं, आप लोग देखिएगा कभी अपने यहां आज एग्जांपल करके, तो ये तरंगे जो होती हैं ये वृत्ताकार मार्ग में निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, वृत्ताकार रूप में चारों तरफ चलने लगती हैं, कैसी चल रही हैं तरंगे, वृत्ताकार मार्ग में चलती हैं। कभी आप लोग देखिएगा कि जब आप कभी किसी भी तालाब में पत्थर मारे तो पत्थर मारेंगे तो वहां से ऐसे 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 और दूर दूर तक तरंगे वृत्ताकार मार्ग में फैलती हैं। लेकिन बात किसकी हम लोग कर रहे हैं, शांत जल में ये स्थिति निर्मित होगी। ठीक है, अब देखो इतना पॉइंट क्लियर हुआ, इतनी पॉइंट समझ में आ रही कि लहरें कैसी चल रही है, वृत्ताकार मार्ग में चल। ठीक, अब यहां पर आते हैं और हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी पृथ्वी की यदि हम स्थिति की बात करें तो ये आपकी क्रस्ट है, ये आपका ऊपरी मेंटल है, मेंटल है, और ये आपका क्या हो जाएगा, निचला मेंटल होगा। ठीक,
यही होगा ना। अब देखो ऊपरी मेंटल और कोर क्या है, एक दूसरे के पास स्थित, क्या है, दोनों आसपास हैं, क्योंकि ऊपरी मेंटल से ही हम लोग कोर जा सकते हैं। निचले मेंटल से अगर हम गति करेंगे तो यहां पर समझो कि यदि हम निचले मेंटल से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, ऊपरी मेंटल। अगर निचले मेंटल से हम लोग आगे जाएंगे तो आ जाएगा ऊपरी मेंटल। इसका मतलब क्या है कि सारी जो भी गतिविधियां होंगी भूकंप की उत्पत्ति कहां पर होगी, तो इसका मतलब है कि भूकंप की उत्पत्ति ऊपरी मेंटल पर क्या हो जाएगा, इसका स्पष्ट मतलब हो जाएगा कि भूकंप की जो उत्पत्ति हो रही है वो कहां पर हो रही है, ऊपरी मेंटल में हो रही है। कहां पर हो रही है, ऊपरी मेंटल में, मतलब कि यहां पर आपका क्या भरा हुआ है, इस पूरे क्षेत्र में लावा भरा है। है ना, इस क्षेत्र में पूरे में पूरे के पूरा भाग जो है लावे से भरा है। और ऊपरी मेंटल की जब हम लोग बात करते हैं तो ऊपरी मेंटल का टेम्परेचर कितना है, लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस। और जब निचले मेंटल की बात कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर कितना है, 2900 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो दोनों में देखो ठीक, तो भूकंपी स्थिति की उत्पत्ति कहां पर हो रही है, आपके ऊपरी मेंटल के पास। अब समझते हुए चलना है कि भूकंपी स्थिति की उत्पत्ति मैक्सिमम टाइम आप लोग देखेंगे तो वो ऊपरी मेंटल में होगी। जिस इन भूकंपी तरंगों को हम लोग रिकॉर्ड किससे करते हैं, सिस्मोग्राफ से। माप किससे की जाती है, सिस्मोग्राफ से। ग्राफ से अर्थात भूकंपीय तरंगों की माप जो की जाती है वो कहां पर की जाती है, आपके सिस्मोग्राफ से। ठीक, अब अगर आप सोचो कि आंतरिक जो ऊपरी भाग है यदि उसमें किसी भी प्रकार से हलचल उत्पन्न हुई तो वो क्या करेगी, इफेक्ट किसको डालेगी। अगर इसको ऐसे समझ लिया जाए, इस भाग में आपके ऊपरी भाग में ये क्या है, ऊपरी मंडल, और अगर ऊपरी मंडल में हलचल हुई तो हलचल होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लहरें उत्पन्न होगी, यहां पर लहरें उत्पन्न होंगी। अब जब यहां पर लहरें उत्पन्न होंगी तो ये क्या करेंगी, ये लहरें आपके क्रस्ट पर इफेक्ट डालेंगी। ये लहरें जो हैं ये क्या करेंगी, आपकी भूपरपट्टी पर प्रभाव डालेंगी। इससे जो लहरें यहां से निकल रही हैं
ठीक, अर्थात ऊपरी मेंटल से निकलने वाली लहरें ऊपर पट्टी पर टकराएंगी। ठीक, अब जब भूपर पट्टी पर टकराएंगी तो इसका मतलब है कि भूपर पट्टी पर ही कंपन होगा और ये वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। ये कैसी चल रही है? ये लहरें जो हम लोगों ने बात की, ये वृत्ताकार मार्ग पकड़ती हैं। ठीक, अब ये वृत्ताकार मार्ग में चल रही है तो नॉर्मल सी बात है ये आपके क्रस्ट पर टकराएंगी, और जब क्रस्ट पर टकराएंगी तो इसका मतलब है क्रस्ट में क्या हो जाएगा? हलचल होगी। क्या हो जाएगा? आपके क्रस्ट में या ऊपर पट्टी में हलचल होगी, और इस हलचल से क्या हो जाएगा? ऊपर पट्टी पर कंपन उत्पन्न होगा, और इस कंपन का आधार अगर हम लोग कहें तो इस कंपन का मुख्य आधार क्या है? ऊपरी मेंटल से चलने वाली भूकंपीय तरंगे। क्या है? इस मेंटल पर टकराने से, ऊपरी मेंटल से जो तरंगे चल रही है क्रस्ट की ओर, ये क्या कर रही हैं? लगातार चल रही हैं, और लगातार कहां पर टकरा रही है? क्रस्ट पर टकरा रही है। क्यों? जब ऊर्जा ज्यादा बढ़ रही है तो वो क्रस्ट की तरफ टक्कर मार रही है, और जब क्रस्ट की टक्कर मार रही है तो आपकी भूपर पट्टी पर कंपन महसूस हो रहा है। अब यहां पर प्रश्न आया कि अच्छा ठीक है भाई, ये तो समझ में आ रहा है कि ये तरंगे भूपर पट्टी पर टक्कर मार रही, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, क्या रोज टक्कर मारेंगी क्या साहब? यहां पर एक क्वेश्चन तो ये भी आ गया ना कि ये तरंगे तो परमानेंट चलती होंगी, फिर तो क्या रोज टक्कर मार रही है क्या? नहीं, ये तरंगे जब कोई भी शांत दिशा में गति करता है तो कहीं पर भी हलचल की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। जैसे आपके गांव का तालाब आप लोग देखते होंगे, कोई नदी शांत रूप में बह रही है तो उसमें हलचल नहीं उत्पन्न होती। यदि उसमें क्या हो, किसी के द्वारा टक्कर हो जाए या कोई ऐसी क्षति या कोई ऐसा बल कार्य करे तो हलचल उत्पन्न होगी। ठीक, तो इस हलचल का प्रभाव कहां देखने को मिल रहा है हमें? पृथ्वी के ऊपरी कोर क्रस्ट से ऊपरी मेंटल से क्रस्ट की तरफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इन तरंगों की गति, जैसे ही इन तरंगों में कोई हलचल होती है तो वाइब्रेट होकर ये क्या करती है? टकराने लगती है। ठीक, अब जब ये टकराएंगी तो वृत्ताकार मार्ग में टकरा रही है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके माध्यम से पृथ्वी में हलचल या कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कह देते हैं। क्या कहते हैं? इसी कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से भूकंप वाला। अब दूसरी बात आती है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होंगी जो भैया इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही है? ये भी तो एक बात आएगी, भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी है जो प्रेशर डालती है हमारी क्रस्ट पर, हमारी भूपर पट्टी पर? तो भूकंपीय तरंगों की जब हम लोग बात करते हैं यहां पर, तरंग तो भूकंपीय तरंगे कैसी होती है? दो तरह की होती है, एक तो बॉडी वेव होती है, एक सरफेस वेव्स होती है। क्या होती है? एक वेव होती है, मतलब अगर हम लोग यहां पर सरफेस की बात करें तो ये धरातलीय तरंगे होंगी,
और दूसरी कौन से होगी, भूगर्भिक तरंगे होंगी। बॉडी वेव्स को भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज समझने वाली बात रहेगी, यहां पर चीजें समझने वाली बात है, एक एक स्टेप में अगर चीजें आप लोगों को समझ में आए जहां तक वहां तक बताइएगा, जहां ना समझ में आए तो फिर हम लोग उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो भूगर्भिक तरंगे, तो साहब पहले हम बॉडी वेव्स के बारे में जान लें कि बॉडी वेव्स क्या है, और दूसरा सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे कैसे काम करती है, इन दोनों को पता होना चाहिए हम लोगों को। तो नॉर्मल सी बात है, क्या है भूगर्भिक या बॉडी वेव्स, तो नॉर्मल सी यहां पर अगर बात करें तो भूगर्भिक तरंगों का उद्गम कहां से होना चाहिए। मान लो कि यहां पर हम लोगों ने ये क्या है, ये केंद्र, ये क्या है केंद्र, केंद्र इन द सेंस जहां पर हम लोगों ने पत्थर मारा, ठीक। अब इसको हमने अपना केंद्र बना लिया, तालाब को ही लेके चलते हैं एग्जांपल से आप लोग समझते हुए चलिएगा कि जहां पर हमने पत्थर मारा है वो क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर जब हम पत्थर मारते हैं तो ये केंद्र से क्या होगी, पत्थर मारा इसका मतलब क्या है, वहां पर ऊर्जा मुक्त होगी, क्या होगी वहां पर ऊर्जा मुक्त होगी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ठीक, अब जब ऊर्जा निर्मुक्त हुई तो निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएंगे, तरंगे उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी, यहां पर क्या हो जाएगा, तरंगे उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। अब समझो यहां से तरंगे उत्पन्न होंगी, ठीक। अब जब तरंगे उत्पन्न होंगी तो इन तरंगों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये तरंगे देखें तो ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, ये क्या हो रही, सभी दिशाओं में गति कर रही है तरंगे, क्या कर रही है यहां पर समझो, तरंगे सभी दिशा में गति करती है, अर्थात बात करें तो ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, एक दिशा में नहीं चल रही है कि भैया हमें उत्तर ही जाना है, पूरब ही जाना है, हमें पश्चिम जाना है, दक्षिण जाना है, तो ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब है ये होल डायमेंशन क्लियर कर रही है, ये तरंगे क्या हो रही, चारों तरफ समान रूप से सभी दिशाओं में गति कर रही है, ये किसी पर भेदभाव नहीं कर रही है, जैसे हम लोग करते हैं ना कि नहीं ये भैया ये फलाना ये कमजोर छात्र है, ये होशियार छात्र है, ये बुद्धिमान छात्र है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र है, भैया ये अच्छे कपड़े पहने हैं, ये गंदे कपड़े पहने, ऐसा हम लोग आपस में भेदभाव रखते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा नहीं कोई भेदभाव होगा, अर्थात तरंगे सभी दिशाओं में समान रूप से गति करती है, समान रूप से आगे बढ़ते हैं, और जो यहां पर ये तरंगे उत्पन्न हुई है इन्हीं तरंगों को हम लोग क्या कह देते हैं, बॉडी वेव्स, इन्हीं तरंगों को हम क्या कहेंगे, बॉडी वेव्स या धरातलीय तरंगे। ओ सॉरी, भूगर्भिक तरंगे। तरंग अर्थात जहां पर भी केंद्र निर्मित हो रहा है, किसका, भूकंपीय क्षेत्र का, वहां से निकलने वाली जो तरंगे होंगी वो कैसी हो जाएंगी, भूगर्भिक तरंगे कहलाती हैं।
अब यहीं पर आई तो यार वाटर बॉडी, ये जो हम लोगों ने सरफेस वेव्स की बात की थी वो कैसे होगा, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी। ठीक, ये बात आ गई कि भूगर्भिक तरंगे तो हमें समझ में आ गई सर कि यहां पर ऊर्जा मुक्त हुई, चारों दिशाओं में समान रूप से चली। लेकिन एक चीज बताइए कि भूगर्भिक तरंगे जब बनी तो ये क्या होंगी, ये एक चीज समझो कि ये क्या हो जाएंगे, भूगर्भिक तरंगे जो हैं ये धरातल में भी टकराएंगी, धरातल की तरफ अग्रसर होंगी। और जब ये धरातल की तरफ अग्रसर होंगी तो यहां पर समझो स्टेटमेंट पूरे पूरे नोट करना आप लोग, फिर ये मत कहना कि नहीं समझ में आया। ये जो भूगर्भिक तरंगे हैं ये धरातल की तरफ अग्रसर होंगी तो धरातल के सेलों से भी टकराती हैं, किससे टकराएंगी, सेलों से। अब जब ये टकराएंगी तो इनका इंटरैक्शन भी होगा, क्या होगा, भूगर्भिक तरंगे या इन तरंगों का इंट्रैक्शन किससे होगा, धरातलीय सेलों से होगा। ठीक, तो किनसे इंट्रैक्शन हो रहा, इंट्रैक्शन की बात करें तो इन तरंगों का इंट्रैक्शन धरातलीय सेलों के साथ हो रहा, और जब धरातलीय सेलों के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक, परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो यहां पर एक नई तरंग बनती है, एक नई तरंग उत्पन्न होती है। ठीक, जब ये इंट्रैक्शन करेंगे और इंट्रैक्शन परस्पर अंतःक्रिया करके आगे बढ़ते हैं तो इनसे एक नई तरंग उत्पन्न होती है, और जिस तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, धरातलीय, धरातलीय तरंग। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस वेव्स की बात की तो ये कैसे उत्पन्न हो रही है, आपस में इंट्रैक्शन से, किससे, जो आपके धरातलीय सेल है उनसे, और जो भूगर्भिक लहरें या तरंगे चल रही हैं उनके आपस में क्या है, इंट्रैक्शन करने से नई तरंग की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग कहते हैं धरातलीय तरंगे। इसका मतलब एक वर्ड से आप लोग समझो कि जैसे कि मान लो ठीक ये क्या है, धरातलीय सेल है, ठीक, अब यहां से आपके बॉडी वेव्स आ रही है, क्या आ रही है, बॉडी वेव्स, या भूगर्भिक तरंगे। ठीक, अब यहां पर इस सेल से टकराती हैं, मतलब यहां पर ये क्या करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे, अब इंट्रैक्ट करेंगी तो नॉर्मल सी बात है, जब एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इंट्रैक्शन हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नई तरंगे उत्पन्न कर देंगे, नई तरंग उत्पन्न। अब जब नई तरंग उत्पन्न हो रही है यही तरंग क्या कहलाएगी, धरातलीय तरंग, इसी को आप लोग सरफेस वेव्स कहते हैं। लेकिन एक चीज और है, ये पॉइंट की बात करें, ये कहां से चल रही हैं, ये केंद्र से चल रही है, कहां से चल रही हैं, केंद्र से, केंद्र से।
अर्थात ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से चल रही है। कहां से चल रही है? ये पृथ्वी के आंतरिक भाग, इससे क्या समझ में आ रहा कि ये जो वेव्स है, बॉडी वेव्स, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है, क्योंकि चल तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही रही थी और सेलों से टकराई हैं, और जब सेलों से टकराई हैं तो नॉर्मल सी बात है, सेल ने क्या किया, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया और एक नई वेव्स का निर्माण कर दिया। यहां पर क्या कर दिया? नई वेव्स का निर्माण कर दिया। इसका मतलब है ये उस डायरेक्शन पर आगे नहीं जाएंगी। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी क्रस्ट है और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ये क्या है? ये क्रस्ट है और ये इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का आंतरिक। आंतरिक भाग। और ये नई तरंगे टकराई हैं किससे? सेलों से। तो इसका मतलब है कि धरातलीय तरंगे जो है वो कहां पर चलेंगी? केवल और केवल आपके सरफेस पर चलेंगी। किस पर चलेंगी? सरफेस पर चलेंगी। अब देखो दो तरीके की अपनी तरंगे आ गई। अब देखो एक तो भूगर्भिक और दूसरी धरातलीय, ठीक। ये क्या है? ये है भूपर्पटी और ये है मेंटल, या इसी को हम लोग ऊपरी मेंटल कहते हैं, ठीक। इसके नीचे निचला मेंटल आएगा। अब जो हमारी ये सरफेस वेव्स होंगी, धरातलीय तरंगे होंगी, वो धरातलीय तरंगे कहां पर चलेंगी? नाम से ही है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहां पर हो रही है? सेलों की टक्कर से हो रही है। धरातलीय तरंगे तरंगे धरातल पर क्यों? क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही धरातल के लिए हुई है, क्योंकि स्पष्ट रूप से धरातलीय सेलों से ही नई तरंगों की उत्पत्ति हो रही है जो धरातल पर ही चलेगी, क्योंकि उत्पत्ति धरातलीय क्षेत्र है। अर्थात इनकी उत्पत्ति धरातलीय क्षेत्र के लिए ही निर्मित हुई है। अब दूसरा पॉइंट यह आया कि बाकी जो आपकी भूगर्भिक तरंगे हैं ये कहां चलेंगी? ये सभी जगह चल लेती हैं बेचारी। ये क्या हो रहे? भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग, कहां पर? आंतरिक भाग। अब इतनी स्टोरी तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई दो तरह की तरंगे होती हैं, दोनों तरंगों की उत्पत्ति कैसे हो रही है और दोनों तरंगे कैसे काम करेंगी। अब देखो इतनी चीज क्लियर हो गया, इतना पॉइंट की धरातलीय तरंगे कौन तरंगे कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे काम करेंगी। अब दूसरा आया
भूकंपीय तरंगों का वेग क्या एक समान होगा? इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर एक चीज समझें कि जो भूकंपीय आप समझो भूकंपीय तरंगे हैं और दो तरह के तरंगे हैं, एक तो भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग। ठीक, अब दो तरीके की तरंगे, भूगर्भिक तरंगे, धरातलीय तरंगे, क्या इनकी स्पीड एक जैसी होगी? अब क्वेश्चन यहां पर आया, गति एक समान होगी, क्या इन तरंगों की गति सभी जगह पर एक समान होगी या अलग अलग होगी? ये तो क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर समझो, फिर से दिमाग लगाओ कि एक तो सरफेस में चल रही है, दूसरी आंतरिक जगह पे चल रही है, तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी में चेंजेस हो रहे हैं। आंतरिक भागों में अलग घनत्व होगा और भूपरपटी पर अलग घनत्व होगा। क्या है? आंतरिक भाग में पृथ्वी के अलग घनत्व तो पाया जाता है और भूपरपटी पर अलग घनत्व तो पाया जाता है। इसके आधार पर अगर अभी हम लोग बात करें, अभी हमें कुछ पता नहीं है, एबीसीडी मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। ठीक, तो हमें इन दोनों की एबीसीडी को समझने का प्रयास करना है कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं, उस पूरे गेम को हम लोगों को समझना है। अब वो गेम समझ में आ गया तो लाइफ चिंगालाला हो जाएगी, है ना। मेन चीज है हमें उन चीजों को समझना है जिन चीजों को हमें जानने की कोशिश करना था। अब यहां पर दो चीजें तो हम लोगों को दिमाग में पहले से, ठीक, एक तो भूपरपटी पता है हम लोगों को पटी, और दूसरा हमें मेंटल के बारे में पता है। भूपरपटी कैसी है? ठोस है। और मेंटल हमारा कैसा है? तरल है। ठीक, तो इसका मतलब है दोनों में घनत्व में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि भूपरपटी हमारी सियाल से निर्मित है और मेंटल हमारा सीमा से बना हुआ है, ये तो हम लोगों को पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के घनत्व में भी परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा कि भूपरपटी और मेंटल के घनत्व में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, कि आपके मेंटल का घनत्व अलग होगा और भूपरपटी का घनत्व अलग होगा। क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब है जो भूकंपीय तरंगे चलती हैं या वेग उनका स्पीड होगा वो घनत्व के आधार पर निर्धारित तो होगा। यही होगा ना कि भूकंपीय तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों पर
अभी से ऐसे पॉइंट बना लो। पहला पॉइंट बनाओ, भूकंपीय तरंगे अलग अलग घनत्वों में तथा अलग 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 पदार्थों से होकर गुजरती है। यहां पर अगर हम लोग बात करें कि भूकंपीय तरंगें जो होती हैं वो अलग अलग घनत्व और अलग अलग पदार्थों से होकर गुजरती, तो कॉमन सी बात है, जब इसका अलग अलग पदार्थ आप लोग देखेंगे, अलग अलग घनत्व की वस्तुएं देखेंगे, वहां से भूकंपीय तरंगें गुजरेंगी, तो इसका वेग कैसा हो जाएगा? इसका वेग कैसा होगा? अलग अलग होगा, अलग होगा। कहां पर? हर जगह पर। अगर हम लोग जिस जगह की बात करेंगे वहां पर जब घनत्व अलग पदार्थ अलग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर किसी भी जगह पर भूकंपीय तरंगे चल रही हैं तो वहां का घनत्व क्या है, वहां पर पदार्थ क्या पाए जा रहे, उसके आधार पर भूकंपीय तरंगों का वेग भी परिवर्तित होता है। अर्थात भूकंपीय तरंगों का वेग किस पर निर्धारित हो रहा है? पदार्थ एवं घनत्व पर। किस पर? भूकंपीय तरंगों का तरंगों की गति गति अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो दो आधारों पर निर्धारित हो रही है। एक तो घनत्व और पदार्थ, और पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर? अगर हम लोग बात करें कि भूकंपीय तरंगों की गति किस पर निर्भर करेगी, तो घनत्व और पदार्थ पर निर्भर कर रही है। यहां पर कि भाई घनत्व तो कैसा है, वहां पर वो देखा जाएगा, पदार्थ कौन से हैं, अगर उस पर वहां पर भूकंपीय तरंगों की गति तेज होनी चाहिए तो गति तेज होगी, धीमी होनी चाहिए धीमी होगी। अर्थात जहां घनत्व ज्यादा, जहां घनत्व ज्यादा होगा वहां पर भूकंपीय तरंगों का वेग भी ज्यादा हो जाएगा। अर्थात घनत्व ज्यादा तो नॉर्मल सी बात है, तरंगों का वेग ज्यादा निकल रहा है। कि जहां पर भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर एक फिनोमिना को कवर करना पड़ेगा, कि जहां पर भी भूकंपीय तरंगों का घनत्व तो ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पर, वो सॉरी जहां पर भी डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, घनत्व तो ज्यादा मिलेगा, वहां पर भूकंपीय तरंगों की गति स्पीड ज्यादा देखने को मिलती। जहां पर घनत्व तो कम होगा वहां पर इनकी गति कम देखने को मिलेगी। ठीक, घनत्व ज्यादा तो वेग ज्यादा, घनत्व कम तो वेग कम। वेग कम, इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा गेम कहीं ना कहीं
घनत्व पर ही निर्भर हो रहा है। अगर हम लोग यहां से समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये स्पष्ट आप लोगों को दिखाई देगा कि सारी चीजें घनत्व पर ही निर्भर कर रही हैं। अगर घनत्व ज्यादा तो निर्भर से मतलब है कि वहां पर भूकंपीय तरंगों की गति भी ज्यादा हो जाएगी, घनत्व कम तो भूकंपीय तरंगों की गति भी अपने आप कम होती चली जाएगी। तो दोनों में डिफरेंसेस जो देखने को मिल रहा है घनत्व के आधार पर देखने को मिल रहा। अभी चलते चल रहे हैं, ठीक, पानी वानी आप भी पीजिए। तो चीजों का गेम बड़ा सेट पैटर्न पे चल रहा है अभी तक। अब अगर इसकी पूंछ पकड़े चल गए तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट कभी जीवन में आपके जाएगा नहीं, ठीक। तो जब इस कॉन्सेप्ट को हमें जाने नहीं देना है तो इसका मतलब है इस कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ के रखना। चल आगे चले। अब देखो होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, कि आप लोग देखते होंगे कि शैडो जोन बनाती, परावर्तन और अपवर्तन करती है। क्या करती है, भूकंपीय तरंगे तरंगे परावर्तन एवं अपवर्तन का गुण समाहित रखती है। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें परावर्तन एवं अपवर्तन का गुण होता है। अब परावर्तन अपवर्तन से अगर हम लोग सोचे तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, समझो। जब इस गुण की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यह परावर्तन और अपवर्तन का गुण भी किसके कारण निर्भर करता है, पृथ्वी के घनत्व पर। यह किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के घनत्व पर, ठीक। अर्थात यह भी ये बता रहा है कि पृथ्वी के घनत्व में अंतर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह भी लाइन क्या बता रही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व में अंतर है। अब समझते चलना, पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व में अंतर क्यों, क्योंकि पृथ्वी का घनत्व ही इन तरंगों के परावर्तन और अपवर्तन का आधार होता है। क्या होता है, ये क्या है, आधार, ठीक। पृथ्वी का घनत्व ही भूकंपीय तरंगों के परावर्तन एवं अपवर्तन का आधार होता है। क्लियर, ये बात पॉइंट समझ में आया कि जो परावर्तन आप लोग देखते हो, जो अपवर्तन होता है, जो शैडो जोन आप लोग दिखाई देती हैं, वहां पर इसका मुख्य आधार क्या होता है, भूकंपीय तरंगों का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व जो भूकंपीय तरंगों के परावर्तन एवं अपवर्तन का कारक बनती है। अब जब ये परावर्तन एवं अपवर्तन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका दूसरा मतलब क्या है कि भूकंपीय तरंगे दिशा भी बदलती हैं इस परावर्तन अपवर्तन से। क्या करती हैं, भूकंपीय तरंगे परावर्तन अपवर्तन से अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं, अपनी
दिशा में भी परिवर्तन तो इस परावर्तन अपवर्तन की स्थिति में क्या हो जाती है, जो भूकंपीय तरंगे आप लोग देख रहे हैं वो अपने डायरेक्शन को भी बदलती है। घनत्व तो बदला, परावर्तन अपवर्तन हुआ, अपवर्तन परावर्तन की स्थिति निर्मित हुई, तो डायरेक्शन में भी चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर आ रहा है ये चीजें कि भाई डायरेक्शन में कैसे चेंज हो रहा, क्योंकि मान लो अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता था कि सर इसकी दिशा में क्यों परिवर्तन हो जा रहा है। तो समझो मान लो कि ये कोई फोकस है, ये केंद्र है, ठीक, फोकस ठीक, इसकी बात कर रहे हैं। यहां से कोई तरंग चली जिसको क्या हो चाहिए, अत्यधिक घनत्व चाहिए था, घनत्व, और वो आपको केवल पृथ्वी के आंतरिक भाग में 103 डिग्री तक ही मिला, इसके आगे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये तरंगे अपनी दिशा परावर्तित, यहां पर क्या हो जाएगा, घनत्व की मात्रा कम है, और ये तरंगे अत्यधिक घनत्व पे ही चलती हैं, तो इसका मतलब है कि ये तरंगे इस भाग में प्रवेश नहीं करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक इस भाग की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखो कोई तरंग ऐसी है जो अगर हम लोग बात करें, ये फोकस है हमारा, इस फोकस से ये क्या कर रही है, कम घनत्व वाली जगह पर चल रही है, तो इसका मतलब है वो 103 वाली जगह पर ना चलकर इस वाली जगह पे जाएगी, मध्य वाले भाग में, क्यों कि यहां पर कम घनत्व है। तो हर तरंगों की यदि हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर कॉमन सी बात क्या आ जाएगी, एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि घनत्व के आधार पर ही भूकंपीय तरंगे क्या कर रही हैं, परावर्तन कर रही हैं, अपवर्तन की स्थिति निर्मित कर रही हैं। क्लियर ये पॉइंट, यहां तक किसी चीज को किसी को भी दिक्कत हो तो वो बताइएगा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब आते हैं, इतनी कहानी होने के बाद अभी तक भूगर्भिक 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 तरंगे चल रही हैं, तो भूगर्भिक तरंगों की बात कर लें। तरंग या बॉडी वेव्स की बात कर रहे थे हम लोग, बॉडी वेव्स की, तो बॉडी वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए पी और एफ प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं हमारी प्राथमिक या द्वितीयक भूकंपीय तरंगे जो होती हैं, इन्हें हम लोग बॉडी वेव्स के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए सरफेस वेव्स तरंग, धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे में हम तरंगे की जब बात करते हैं, ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो रिले तरंग और दूसरा एल तरंग, ये भी दो तरंग की होती हैं, दो तरह की होती हैं। अब देखो रेले लिखा हुआ तो रेलेगा ही रेलेगा, ठीक, और लब है तब तो तुम समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी एकदम जन्नत होने,
तो इनकी खोज जिसने की थी लव बेब्स की, रेले ने रेले तरंग की खोज की थी और लव ने लव की खोज की थी। अब देख लो इनका नाम जो है एच लव, के नाम पर रखा गया है। देखो एक बार आपको कोई मारने आएगा ठीक है, अब इन दोनों का करैक्टर समझो तो हम लोग वहां पर चलेंगे अभी डिस्कस करेंगे तो उनको समझना होगा। अब पहले एक पॉइंट और यहां पर आप लोगों से डिस्कस कर ले, फिर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है। चल अब भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे या सरफेस वेव्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग बात करें अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो रेले है अब कैसे कैसे होगा, तो ये सब चीजों का डिस्कशन हम लोग जब पी वेव्स एल वेव्स धरातलीय तरंगे इन सब का जब हम लोग भूकंप पढ़ेंगे, कहां पर जब भूकंप के टॉपिक पर जाएंगे तब आप लोग देखिएगा कि इनके करेक्टर्स जब हम लोग डिफाइन करते तब आपको समझ में आएगा वो बड़ा गेम था अलग। रेले का क्या करता है, लव वेव्स आप लोगों को कैसे बर्बाद करती है, क्योंकि लव तो वैसे भी 99.99 लोगों को बर्बाद कर रहा है ठीक, और लव के पहले लव के बीच में ही रेले भी जा रहे हैं आप लोग, कई बार मार खा जाते हैं कोई किसी से, कोई किसी से, किसी किसी से, क्योंकि मैं तेरा तू मेरा तू और किसी का, इस टाइप से चलता है, तो ये भी चलता रहना चाहिए ठीक। तो ये सब हम लोग भूकंप में बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं भूकंपीय तरंगे या भूगर्भिक तरंगों की बात करते हैं, दो पार्ट में हम लोग इसे डिवीजन कर देते हैं। पहले ठीक है, तो एक तरफ डाल लीजिएगा भूगर्भिक तरंगे तरंगे और दूसरी तरफ आएगा धरातलीय तरंगे। अब ये कहानी शुरू हो रही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी स्टोरी समझने की, अगर ये समझ में आ गया तो लाइफ झिंगा लाला ठीक, और नहीं समझ में आया तो लाइफ झिंगा लाला, तो चिंगा बनाना है या झिंगा बनाना है ये आप लोग सोचिएगा ठीक है। आ जाओ तो हम धरातलीय तरंगों में बात किसकी किए थे, एल तरंग, एल तरंगे, और यहां पर हम लोग दो तरंगों की बात कर रहे हैं, पी तरंगे और दूसरी
एफ तरंगों की। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप यदि हम लोग समझने का यहां पर प्रयास करें तो प्राथमिक तरंगों को या प्राइमरी तरंग पी तरंग को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, क्या कहते हैं प्राथमिक तरंग, इसे हम प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक, यहीं पर हम जब पी तरंगों के बाद एस तरंगों की बात करते हैं तो एस तरंगों में इसे क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव्स। या क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तरंग, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, धरातलीय तरंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एल तरंग को। धरातलीय तरंगे कहते हैं। ठीक, अब देखो ये तीन पॉइंट हम लोगों ने अभी तक पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो यहां पर ये चीज समझिएगा, इसमें समझने वाली बात ये आएगी कि अब आप लोगों को इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिफाइन करना रहेगा। जब इसके कैरेक्टर्स आप समझ जाएंगे तो चीजें स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आने लगेगी। एक तो सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी कि जब भूकंपीय तरंगों या भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो यह उसके समानांतर चलती है। किसके, भूकंपीय तरंगों के या भूकंपीय कणों के समानांतर दिशा में गति करती है। ठीक, ठीक है, अब चलो इसमें समझो, इसमें क्या है, इसके प्रभाव या इस तरह से इसे लिख लो, कणों का कंपन का कंपन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होता है। तरंग की गति के समानांतर, अब देखो जब समानांतर की बात कर लिया, दूसरा दूसरा पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो कणों के कंपन तरंग की गति के समानांतर हो रहा, और दूसरा दूसरा पॉइंट बात करेंगे कणों के का कंपन तरंग के लंबवत होता है, तरंग के गति के लंबवत होता है। इधर समानांतर हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है, लंबवत होता है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की जब हम लोग बात करेंगे तो ये पृथ्वी के धरातलीय भाग में चलती हैं। ये कहां पर चलेंगी धरातलीय तरंगें, पृथ्वी के धरातलीय भाग में, धरातलीय भाग में, ये पृथ्वी के धरातलीय भाग में चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग यहां पर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा,
नेक्स्ट पॉइंट, सबसे तेज चलने वाली तरंग है, सबसे तेज चलने वाली तरंग है ये, सबसे तेज। फिर इससे बात करें, ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की बात करें, यहां पर क्या प्राथमिक तरंगों से कम गति होगी इसकी, प्राथमिक तरंग से कम गति। दूसरा पॉइंट, यहां पर दूसरे पॉइंट की जब हम लोग बात कर लेंगे, यहां पर जब प्राइमरी वेव्स हो गई गति में, सेकेंडरी वेव्स हो गई, तो नॉर्मल सी बात यह है कि तीसरी वेव्स की स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे कम होगी, सबसे कम। ठीक, गति समझते रहना, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी गति सबसे कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बात करें, इसकी औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग की बात कर लें, औसत वेग 6 से 15 किलोमीटर पर, 6 से 15 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यह रन करती है। ठीक, दूसरी अगर हम सेकेंडरी वेव्स की यहीं पर बात करें, तो ये 5 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति करती है। और यहीं पर यदि हम इसकी गति की बात करें एल वेव्स की, तो 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से गति कर रही है। तो यहां पर औसत वेग सबसे ज्यादा किसका है, प्राइमरी वेव्स का। ठीक, इस हिसाब से ये गति कर रही है। अभी बहुत कुछ बाकी है, ये क्या है, ये ठोस और तरल दोनों में चलती है। क्या चल रही है, ठोस तरल एवं गैस तीनों में, ये क्या है, ये तीनों में चलती है। ठीक, अब यहां पर बात करें कि एस वेव्स की, तो ये किस में चल रही है, ये केवल ठोस में चलती है, ठोस में। और जब हम धरातलीय तरंगों की बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि धरातलीय तरंगे धरातलीय भाग में चलती है, अर्थात किस में चलती है, ठोस भाग में ही चलती हैं। ये भी किस में चलेंगी, ठोस भाग में। समझते चलो कि दोनों क्या हो रही हैं, ठोस भाग में चलती हैं। ठीक, अब बात यहां तक इसकी स्टोरी चली कि ये ठोस भाग में आपके चल रही है। अब इसके बाद यदि हम लोग देखा जाए, तो एक चीज समझो, ये कैसे चल रहा है, ये आप लोगों के ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है। ठीक, अब इसकी मूवमेंट ऐसी है, और इसके पास जो धरातलीय तरंगे हैं उसके पास क्या है, दोनों के गुण पाए जाते हैं, के गुण होते हैं, अर्थात ये वाला और ये वाला दोनों करेक्टर लव वेव्स के पास होता है। तो इस चीज को समझने वाली बात है कि यहां पर क्या हो जाएगा, लव वेव्स के पास दोनों तरह का करेक्टर होगा। ठीक, अब जब दोनों तरह का करेक्टर होगा, तो इस चीज को हमें यहां पर समझना हो, अब समझो इन सारी चीजों से कुछ निकल के सामने आप लोगों के आ रहा है कि हमारी पृथ्वी में घनत्व और पदार्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग पाया जा रहा है। इस बात से मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोग समझने का प्रयास करें, तो यहां से
इन तीनों पॉइंट से अगर आप लोग निकालें तो इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी एक समान पदार्थों से निर्मित नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जिस अर्थ को अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ये हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ हमारी अब समझने वाली बात है। अगर हम ये हम अपनी पृथ्वी की बात करें कि ये पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग, भाग। ठीक, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ये सारे पॉइंट अपने, तो इन पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि हम पृथ्वी की बात करें, यदि पृथ्वी की संरचना की बात करें, तो यहां पर कुछ आप लोगों को निकल के दिखाई देगा इन पॉइंट के आधार पर कि हमारी पृथ्वी एक समान पदार्थों से, मतलब ये कह सकते हैं कि समान पदार्थों से हमारी पृथ्वी निर्मित नहीं है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग एक समान पदार्थों से निर्मित नहीं है। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का आंतरिक भाग समान पदार्थों समान संरचना से निर्मित नहीं है। नहीं है, ये बात तो निकल के आ रही है ना बाप को। यदि एक समान पदार्थ एक जैसी संरचना होती पृथ्वी के आंतरिक भाग की, तो जो हमारी तरंगे हैं यदि एक समान होता ठीक, यदि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान होती तो नॉर्मल सी बात है यहां से जो तरंगे चल रही हैं वो कैसी होती? वो सीधी गति में होती। निर्मित होती तो नॉर्मल सी बात है कि तरंगों की गति कैसी होती? तरंगे सीधी रेखा में गति करती। है ना? अब तरंगे जो अपना शैडो जोन बना रही है या फिर तरंगे एक सीधी रेखा में न चलकर क्या कर रही है? अपने आप में विभेद कर रही है। तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी के जो घनत्व तो है, जो संरचना है, वो एक जैसी निर्मित नहीं है। क्लियर पॉइंट आया? अगर निर्मित होती तो सीधी सी बात है एक रेखा में चलती। ठीक, आप लोगों को परावर्तन अपवर्तन देखने को नहीं मिलता, परावर्तन एवं अपवर्तन की स्थिति नहीं निर्मित होती। ठीक, क्या हो जाता? परावर्तन और अपवर्तन, यहां पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में परावर्तनों और अपवर्तन जैसी सिचुएशन या स्थिति निर्मित नहीं होती। जो निर्मित हो रही है, जो प्रेजेंट टाइम पे अभी आप लोग देख रहे थे कि परावर्तन और अपवर्तन की स्थिति निर्मित हो रही है। ठीक, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व तो अलग अलग स्थानों का अलग अलग है। क्या है? आंतरिक आंतरिक आपका घनत्व अलग
अलग अलग है, अर्थात क्रस्ट या भूपरपट्टी, मेंटल और कोर, इन सब का घनत्व क्या है? अलग अलग है। ये चीजें तो हम लोगों को यहीं से जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भाई देखो एक चीज बताओ, ये कणों के समानांतर गति कर रही है, ये लंबवत गति कर रही है, और ये धरातलीय भाग में ही गति कर रही है केवल, ये कहीं पर आंतरिक भाग में प्रवेश ही नहीं कर रही है, ये सबसे तेज चल रही है, ये इससे धीमी और ये सबसे धीमी चल रही है। अब देखो यहां पर इसका वेग की बात करें तो ये 6 से 15 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, ये 5 से 7 किलोमीटर की, और ये 3.5 किलोमीटर की स्पीड, तो इसमें स्पीड में भी आप लोगों को डिफरेंस दिखाई दे रहा। ये जो आप प्राइमरी वेव से वो आपके सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में चल रही है, बट अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी और आपकी जो सरफेस वेव्स है, ये दोनों ही सॉलिड वेव्स में चल रही हैं। दूसरा ये कैसी चल रही हैं? ये अनुदैर्ध्य अवस्था में है, ये अनुप्रस्थ अवस्था में है, और इसके अंदर दोनों का करेक्टर पाया जा रहा है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों का समन्वय पाया जाता है। अर्थात तो सबसे घातक की बात करेंगे तो ये बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वो एक समान पदार्थों से निर्मित नहीं है। हर जगह पृथ्वी के चाहे मेंटल की बात कर ले, चाहे कोर की बात कर ले, चाहे ऊपरी मेंटल की बात करें, चाहे निचले मेंटल की बात करें, या फिर हम लोग यहां पर इसकी बात कर ले कि इसके समझो यहां पर मेंटल के बाद अगर हम कोर की बात भी करते हैं तो कोर का आंतरिक भाग और कोर का वह भाग सब में अपने आप में डिफरेंसेस होता है, डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हमारी भूकंपीय तरंगे प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। इसका मतलब है कि इनके घनत्व में भी अलग अलग जगह पर भी अंतर देखने को मिलता है, कहीं पर सेमी लिक्विड है तो कहीं सॉलिड है, तो कहीं पर लिक्विड है तो कहीं पर अधिक ज्यादा लिक्विड अवस्था में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये भी बता रहा है। अब इसके बारे में व्याख्या कैसे आप लोगों को प्राप्त होगी? जैसे आप लोगों ने क्या देखा है, शैडो जोन देखा हुआ है, ठीक, क्या देखा है, शैडो जोन, भूकंपीय छाया क्षेत्र, ठीक। अब यहां पर समझो भूकंपीय छाया क्षेत्र की जब हम लोग बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये अपना फोकस है, यह केंद्र है, ठीक। और ठीक, हमारी पी वेव्स की बात करते हैं, जब ये प्राथमिक तरंगों की बात कर लें, ठीक, इसे समझो, जब पी वेव्स चलती हैं आपकी, तो ये 103 से लेकर 143 से लेकर 143 डिग्री तक, और कई बार ये आप लोगों को बुक्स में 105 से लेकर 145 तक भी दिखाई देता है। तो ये दोनों तरफ क्या बना देती है, शैडो, इसके दोनों तरफ
क्या बनाती हैं? छाया क्षेत्र, अर्थात इस छाया क्षेत्र में भूकंपीय तरंगे गति नहीं करती है। क्या होती हैं? यहां तरंग गति नहीं करती, ठीक। इस क्षेत्र में भी भूकंपीय क्षेत्र गति नहीं करती, जबकि अगर हम पी वेव्स की बात करें तो इन सभी जगहों पर पी वेव्स हमारी जो है वो इन सभी जगह पर पी वेव्स चलती है, यहां पर भी चलेगी, इन पूरी जगह पर पी वेव्स चलेगी, लेकिन इतने जोन पे 103 से 143 के बीच में आपकी भूकंपीय तरंगे दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है ये पी वेव्स का क्या होगा? शैडो जोन होगा। इसका मतलब ये भी एक स्पष्ट हो रहा है कि ये कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर, क्योंकि पी वेव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये किस पे चलती है? लिक्विड में भी चल रही है, सॉलिड में भी चल रही है और गैसीय अवस्था में भी चलती है। तो तीनों अवस्था में जो जो तरंग चल रही हो उसका यहां पर क्या बन रहा है? शैडो जोन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस जगह पर क्या हो जाएगा? स्थिति कोई और निर्मित हो रही होगी। यहां पर क्या होगी? इस क्षेत्र में कोई और स्थिति निर्मित हो रही है। यहां पर शायद पी भी ना हो, ये लिक्विड ना हो, सॉलिड ना हो, गैस ना हो, कोई और अवस्था पाई जा रही हो, ठीक। तो ये इसलिए ये शैडो जोन निर्मित हो रहा है, भूकंपीय छाया क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये जब वक्रीय आकृति में वक्राकार पथ पर गमन करेंगी तो इस तरह की स्थिति आप लोगों को दिखाई देती है, ठीक। अर्थात कोई तरंग जब विभिन्न घनत्व में चल रही है, सारे घनत्व में चल रही है, तो इसका मतलब था कि पी वेव्स को तो यहां से आपके क्रस्ट से लेकर कोर तक आसानी से गति करनी चाहिए थी। क्या करना चाहिए था? आपके मेंटल मतलब भूपरपटी पटी प्लस मेंटल प्लस कोर, इन तीनों में आपकी पी वेव्स को गति करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? जैसा कि इसका करेक्टर है उस करेक्टर के अनुसार इसको इसको सभी माध्यम में गति करना चाहिए था। इसको सभी माध्यमों में गति करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि इस क्षेत्र में कुछ और स्थिति निर्मित हो रही है। क्या हो रही है? शैडो जोन, जो छाया क्षेत्र है, छाया क्षेत्र, वहां पर अलग स्थिति हो सकती है, ठीक। तो इसका मतलब यह भी एक चीज प्रमाण दे रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पूरी की पूरी आंतरिक संरचना कभी एक वस्तु से नहीं निर्मित है, एक पदार्थ से नहीं निर्मित है, एक तरह का घनत्व तो नहीं पाया जा रहा, एक तरह की स्थितियां नहीं पाई जा रही, क्योंकि पी वेव्स भी आपकी जो अलग अलग घनत्व में चलने के लिए रेडी है, वो भी क्योंकि ये लिक्विड में भी जा रही है, सॉलिड में भी जा रही है और गैसीय अवस्था, तीनों अवस्था में जो गैस जो तरंग चल सकती है, उस तरंग का भी एक शैडो जोन आ रहा है। वो शैडो जोन ये व्यक्त करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई और घनत्वीय स्थिति है जहां पर आपकी पी तरंगे नहीं चल पा रही। इसका मतलब हो जा रहा है, इसका एक अपना मतलब होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अलग अलग तरह की स्थितियां निर्मित हो रही।
अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना विभिन्न पदार्थों से, विभिन्न स्थितियों से, विभिन्न तरीके के घनत्व से निर्मित हो सकती है। इसका प्रमाण कौन दे रहा है? इसका प्रमाण आपके ये सारे साक्ष्य दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द्वितीयक इसका ये फोकस है, केंद्र है, ठीक। अब जब द्वितीयक तरंग की बात करते हैं तो ये कितने पर चल रही है? 103 डिग्री तक ये चलती है, 103 डिग्री। इसके आगे का क्षेत्र कैसा है? क्योंकि इसके आगे के जिस क्षेत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कैसा है? तरल अवस्था में। इसका मतलब है ये इसका क्या बन जाएगा? छाया क्षेत्र। तो ये भी व्यक्त कर रहा है कि इतना भाग जो है पृथ्वी का ये ठोस अवस्था में, ये क्या है? ठोस अवस्था में। इसके बाद ये तरल अवस्था में, इसके बाद का भाग जो है वो कैसा है? सेमी लिक्विड है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? जो आपका कोर होता है वो सॉलिड है। लेकिन ये तरंगे क्या हो रही हैं? 103 डिग्री के बाद समाप्त हो जा रही हैं बी तरंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी ये शैडो जोन भी ये व्यक्त कर रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना के करेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा आप लोगों के पास एविडेंस जो प्रदान करता है वो कौन करता है? वो ये भूकंपीय छाया क्षेत्र और भूकंपीय तरंगों के माध्यम से आप स्पष्ट प्रकार से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि कहां पर किस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में और किस तरीके से आप लोग विभेद कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद आप लोगों के जो भी समस्याएं आएंगी निश्चित रूप से मैं इसे सॉल्व करूंगा। और मैं अब कुछ क्लासेस अपनी रिजल्ट मित्रा के ऐप पे ट्रांसफर होने जा रही हैं, तो आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं तो उतनी जल्दी से जल्दी जुड़िए, प्रयास करिए और सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई करिए। और एक अच्छा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है कि लगभग संभावित हो रहा है कि आप लोगों का पीसीएस का पेपर प्रारंभिक परीक्षा में भी अक्टूबर में जाए, ठीक। तो इसके लिए अब आप लोगों के पास अभी से ये प्लान करिए कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी अब साथ करिए, क्योंकि अक्टूबर बहुत दिन है। अभी सितंबर से भी आप प्रारंभिक परीक्षा केवल पीटी का फैक्चुअल पढ़ना शुरू करेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अभी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आप लोगों के पास, अगर हम अगस्त तक की भी बात करें तो 4 माह है और 4 माह में आप लोगों के मेंस का जीएस बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और प्रारंभिक तो निश्चित रूप से आप लोगों की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो अब जो नए बच्चों ने फॉर्म भरा था, जो हड़बड़ा रहे थे, जो परेशान हो रहे थे, वो बच्चे भी ये परेशान ना हो, इस बार निकलेगा तो निकलेगा। बस मेहनत करते चलिए और लगातार कंटेंट को बनाते रहिए, क्लास के मैटर को लिखते रहिए, समझते रहिए और जो वर्डिक्ट हम बोल रहे हैं, जो शॉर्ट में लिख रहे हैं, उनको आप पूरे के पूरे सेंटेंस बनाकर लिखिए, क्योंकि एक सेंटेंस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कोऑर्डिनेशन बना रहे तो आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। आप बस उस नोट्स को देखते हुए चलोगे, आप लोगों को ऑटोमेटिक याद होता रहेगा।
बाकी आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्दी टेस्ट जो मैंने कहा था कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर और पीसीएस का प्रीवियस ईयर बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि ऐप में जुड़ें, जितनी जल्दी जल्दी आप लोग ऐप में पहुँच जाएंगे वहाँ पर भी आपको फीस का चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ पर भी आपसे कोई चार्जेस पे नहीं किए जाएंगे, वहाँ पर क्लास आप लोगों की एड फ्री चलती है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस तरफ मोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब नए टीचर्स भी आ रहे हैं तो उनको अब यूट्यूब में जगह चाहिए, तो यूट्यूब की टाइमिंग हम लोगों के पास इतना स्पेस नहीं बच रहा है कि सारी क्लासेस यहां पर रन कराई जा सके, तो फ्री ऐप में भी चलेंगी, तो आप लोग फ्री क्लास के लिए ऐप में जाएं जहां पर ऐड भी नहीं मिलेगा और हम लोग भी आसानी से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।